सब्सक्राइब टू खबर अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नेवर मिस एनी न्यूज। नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप खबर अपडेट देख रहे हैं। पिछले 40 सालों से लगातार बाढ़ की चपेट में आने वाला बिहार इस बार भी बाढ़ में डूबा हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने के कारण राज्य के 12 जिले के 77 प्रखंडों के 546 पंचायत पानी में डूब गए हैं। हर साल बिहार में आने वाले बाढ़ की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देखकर लोग उस साल आई बाढ़ की भयावहता को याद रखते हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार में आए बाढ़ की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसे सरकार की विफलता का बेंचमार्क बना दिया गया था या हॉलमार्क के तौर पर पेश किया गया था। इस साल भी बिहार में बाढ़ आई है और इस बार के बाढ़ में भी एक तस्वीर सामने आई है जो बाढ़ की भयावहता और सरकार के प्रति जनता के आक्रोश व्यक्त करने का साधन बन गई है। बिहार से सामने आई इस तस्वीर की तुलना 2015 में सीरिया से सामने आई तस्वीर से की जा रही है। आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है? दरअसल 3 वर्ष पहले कुर्दी मूल के एक सीरियाई बच्चे एलन कुर्दी के शव की तस्वीर पूरे विश्व में सुर्खियां बटोर रही थी। कुर्दी का परिवार सीरियाई गृह युद्ध से बचने के लिए 2 सितंबर 2015 को एक नौका में तुर्की से ग्रीस की ओर जा रहा था, लेकिन नाव डूबने के कारण कुर्दी की मौत हो गई। वहीं सोशल मीडिया पर बिहार के जिस बच्चे की तस्वीर वायरल हो रही है उसमें भी बच्चा मृत दिख रहा है जिसे मछुआरों ने बागमती नदी में जाल फेंककर बाहर निकाला था। ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चे के पानी में डूबने की कहानी भी सीरियाई बच्चे एलन कुर्दी से मेल खाती है। इस तस्वीर के आधार पर कई खबरें बन चुकी हैं जिनमें लगभग इसी कहानी को लिखा गया है। इस तस्वीर के जरिए लोग बच्चे की मौत को सरकार की नाकामी से जोड़ रहे हैं, लेकिन अब मुजफ्फरपुर के डीएम आलोक रंजन की प्रेस वार्ता के बाद इसकी एक अलग ही कहानी सामने आई है। डीएम की प्रेस वार्ता के अनुसार बच्चे बाढ़ में नहीं बहे बल्कि उसकी मां रीना देवी ने पारिवारिक कलह की वजह से तंग आकर अपने चारों बच्चों को लेकर नदी में कूद गई। रीना देवी मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के शीतलपट्टी गांव की रहने वाली थी। जिले के डीएम की माने तो यह घटना 16 जुलाई की बताई गई है। हादसे में सुरक्षित बची 7 साल की बच्ची और गांव वालों से पूछताछ में पता चला है कि मां ने खुद ही अपने बच्चों को नदी में धक्का दे दिया और खुद भी नदी में कूद गई। मरने वाले बच्चों में 3 महीने का बच्चा करण कुमार है जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और तुलना एलन कुर्दी से की जा रही है। वहीं 5 वर्ष का राजकुमार है और 12 वर्ष की बेटी ज्योति कुमारी भी शामिल है। पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई है कि घटना से पहले रीना और उसके पति के बीच फोन पर पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन मामला यही नहीं सुलझता है। बच्चों की मां रीना देवी के बयान के बाद यह मामला और उलझ गया है। उसका बयान एकदम अलग है। रीना की माने तो वो अपने एक बच्चे को शौच कराने के लिए बागमती नदी के किनारे गई थी। वहीं बच्चों को किनारे पर बिठाकर वो नहाने लगी और उसके बाद क्या कुछ हुआ उसे नहीं पता। इस पूरे मामले में एक बयान रीना के पति का भी है जिसका कहना है कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान है। फिलहाल रीना देवी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब अगर इस पूरे मामले में हम पुलिस के रिपोर्ट की ही बात करें और उसे ही सच माने तो यह साफ हो गया है कि वायरल हो रही तस्वीर में जो बच्चा दिख रहा है उसकी मौत बाढ़ में डूबने के कारण नहीं हुई है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।